नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। गुना अपने गृह नगर राघोगढ़ आए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राघोगढ़ की रैंकिंग में सुधार आने की बात कही। उनका कहना है कि जिस प्रकार से जन अभियान के माध्यम से राघोगढ़ के हर निवासी ने राघोगढ़ शहर को स्वच्छ रखने के लिए मेहनत की है, वो सराहनीय है। इससे शहर और स्वच्छ होगा। साथ ही उन्होंने अगले साल टॉप 10 में आने की भी इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें, राघोगढ़ में जयवर्धन सिंह जनता को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। स्वच्छ भारत के अंतर्गत जिस प्रकार से जन अभियान के माध्यम से राघोगढ़ के हर निवासी ने राघोगढ़ शहर को स्वच्छ रखने के लिए पूरी मेहनत की है और निष्ठा से काम किया है, मैं सभी राघोगढ़ के नागरिकगण और साथ में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत NGOs के माध्यम से जो भी हमारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने स्वयं सेवा के माध्यम से इस पूरे अभियान में जनता का साथ दिया है, घर घर जाके जनता से संपर्क किया है, मैं इन सब युवाओं का, युवतियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी हमारे भविष्य हैं और जिस प्रकार आप सब ने पूरी निष्ठा के साथ लोगों से संपर्क किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार राघोगढ़ शहर की रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछली बार की तुलना में काफ़ी उसमें सुधार भी आएगा। ये सब आप सबकी मेहनत से हुआ है और अगले साल तो हमको ये प्रयास करना है कि पूरे देश में हम टॉप 10 में आए। खबर समय जगत के लिए गुना से ब्यूरो चीफ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।